उत्तरी कोरिया दे शासक किम जोंग उन्ने एक नवा फरमान सुनाउंदिया देश च लोकां दे हसन शॉपिंग करन ते शराब पीन ते पाबंदी लगा दिती है। एह पाबंदी अगले 11 दिन तक जारी रहेगी। किम जोंग ने एह पाबंदी अपने पिता अते देश दे साबका शासक किम जोंग इल दी 10वीं बरसी मौके लगाई है। किम जोंग उन्होंने अपने पिता की मौत के 10 साल पूरे होने ते उत्तरी कोरिया के लोगों ते 11 दिन की पाबंदी लगा दी है, जिसकी शुरुआत शुक्रवार तो हो गई है। इस दौरान देश के लोग ना तो हस सकते ने अते ना ही शराब पी सकते ने। इना ही नहीं, ओह अपने निजी दुख विच भी उच्ची उच्ची रो भी नहीं सकते। पार्टियां शॉपिंग आदि ते सख्ती नाल पाबंदी लगाने के हुक्म भी दिते ने। किम जोंग इल की मौत 10वीं बरसी ते कोरिया अधिकारियों लोगों नूं किसी भी तरह की खुशी का जाहिर करन ते सख्त हुक्म दिता है। इल ने 1994 तो 2011 तक उत्तरी कोरिया दे राज कीता सी। उसकी मौत तो बाद उसका तीजा ते सब तो छोटा पुत्र किम जोंग उन उसका अधिकारी बनिया सी। उत्तरी पूर्वी सरहदी कस्बे सिनुइज दे एक वसनीक ने एक चैनल दे गलबात दौरान दस्या कि सोग दे समय साडे ते शराब ना पीण, हसण अते किसी भी खेड विच हिस्सा ना लैण दी पाबंदी है। ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੋਗ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪਿੰਦਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ 11 ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਣਾ ਜਾਂ ਰੋਲਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋਗ ਦਾ ਦਿਨ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੱਕ ਲਾਸ਼ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਹਨਾਂ 11 ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਨਾ ਸਕਦੇ। ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਸੋਗ ਦੀ ਮਿਆਦ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ क्योंकि यह 10वीं बरसी है, इसलिए इस म्याद नूं एक दिन बढ़ा दिता गया है। हुण सोग दी म्याद 11 हो गई है।